विभिन्न व्यवसायों से जुड़े हुए हैं। बांद्रा के, नौर के, रावसर के, हरियाणा के साथी, राजघाट तहसील के साथी, बांद्रा जन सेवा ट्रस्ट और शहीद भगत सिंह कला के साथी मेरे साथ आए, साथी पारस मंच पर बैठे तमाम साथीगण, आप सबका हम बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आपने मुझे 2006 के बाद उससे और बड़ी लड़ने की संघर्ष की ताकत आज बख्शी। हम अभिभूत हैं आपकी स्वागत से, हम और ज्यादा बेहतर तरीके से जनता के मुद्दों पर संघर्षों को तेज करने की ताकत आज आपके बीच आकर के पाए। हम ऐसा महसूस कर रहे हैं अभी और करना बाकी, इसलिए आज के इस कार्यक्रम में मैं कुछ बातें आपके बीच रखना चाहूंगा। मैं सबसे पहले आप तमाम साथियों का जो 2006 में आपने इस्तकबाल किया और उसके बाद जो हम आपको ये शुभकामना देकर के गए थे कि आप यहाँ और उन्नति करें, आज फिर मैं मेरे उन लफ्जों को दोहराना चाहूंगा। कई कई साथी भी आए हैं कि आप यहाँ रह करके जिस संघर्ष के साथ जो मुकाम आपने हासिल किए हैं, ये मुकाम, ये आपका संघर्ष हमें भी ताकत देता है कि आदमी एक जगह डट जाए हिमालय की तरह तो वो हवाओं के नहीं तूफानों के रूप भी बदल सकता है। ये ताकत आपको देकर के महसूस करता हूँ कि आप सब लोग यहाँ रहते हैं उन परिस्थितियों में जहाँ हमारे इलाकों में किसान की खेती ठीक नहीं है, जहाँ हमारे इलाकों में रोजगार के साधन नहीं, इसलिए हजारों मील दूर आकर के आप यहाँ अपने बच्चों के साथ एक परिवार की तरह सारे लोग मिलकर के रहते हैं। इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि हम इस आपकी इस बात को भी आइडेंटिफाई करें और लोगों तक, हजारों हजार लोगों तक ये बात भेजें कि घर से दूर रह करके मुकाम हासिल करना, जैसे एक फौजी सड़क पर खड़ा रह करके 13,000 फीट की ऊंचाई पर 45 किलो वजन अपने शरीर पर लाद करके देश की रक्षा करता है, उसी तरीके से आप बेटे दो दो साल लगातार घर से दूर रह करके व्यवसाय के माध्यम से देश की आर्थिक उन्नति में लगे हैं। आप सभी साथियों का हम क्रांतिकारी इस्तकबाल करना चाहते हैं। साथियों, हम इसलिए हमारे इलाके में लड़ पा रहे हैं जनता के मुद्दों को लेकर कि कोई तो होगा जो इन सवालों को लेकर के खड़ा होगा। मुझे पढ़ाई के दौरान हमारे नेता हुआ करते थे किसानों के, उत्तरी भारत के मशहूर नेता, जो अपने जीवन में 4 बार MLA बने, 1 बार MP बने, कांग्रेसो बचे, उनकी एक आवाज मुझे मुरीद कर गई इस बात के लिए। वो कहते थे किसान का बेटा अगर किसान की बात नहीं करेगा तो दूसरा कौन करेगा। ये बात ने मुझे इस रास्ते पर चला दिया, जो रास्ता कांटों भरा है, जो रास्ता तकलीफ भरा है, लेकिन इतना आनंदित करता है कि हर रोज हम फिर सुबह उठ करके फिर तैयार हो जाते हैं उस काफिले में शामिल होने के लिए, जो दीन है, जो दुखी है, जो अपनी बात कहना चाहता है, कोई सुनना नहीं चाहता, फिर हम सोचते हैं कि हम हमारी बात लफ्जों में ही नहीं संतन में ढाल करके एकजुट होकर के हमारी बात सुनाए। हम बड़े प्यार से बात सुनाने की कोशिश करते हैं, फिर भी अगर नहीं सुने तो हम जोर से बोल करके हमारी बात कहने की कोशिश करते हैं, फिर भी अगर कोई नहीं सुने तो हम उसके कान में गरम तेल की तरह इंकलाब की आवाज लगा करके उसके कान में। सलाह दी कि आपका बोलना इतना तीखा होता जिससे आपके राजनीतिक रास्ते रुक जाते। हमने कहा कि हमारे राजनीतिक इरादे इतने भी नहीं कि हम हमारे रास्तों से भटक जाए। मैं ये बात इसलिए दोहरा रहा,
लोगों ने पिछले कई सालों में जब मैं जिला परिषद का मेंबर 2005 में मेरे जिला परिषद क्षेत्र के बहुत गांव के साथी 14 नंबर जोन के बैठे जिन्होंने मुझे जिताया था ये कहकर कि जीतने के बाद कोई आता नहीं, हमने उनसे वादा किया था कि आप हमारे साथ लगिए। आप तो कहते हो जीतने के बाद कोई आता नहीं, हम इतने आएंगे कि तुम तंत्र उंगली दबाओगे कि क्या ऐसा भी हो सकता, क्योंकि हमने पढ़ाई के दौरान ये बात सीखी थी, कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता, तबियत से एक पत्थर उछालो तो यारो आसमान में भी छेद हो सकता। ये बात बाधाएं आई, रास्ते बदले की सवाएं भी आई, जेलों में भी गए, मुकदमे भी झेले, छह महीना लगातार जेल में भी रहे, लेकिन टूटे नहीं। टूटे इसलिए नहीं कि जो इरादा लेकर के आप घर से बाहर निकलते हो कि हमें सेट होना, हम ये इरादा लेकर के लगे थे कि हमें किसान की आवाज को बुलंद करना। आज मैं पंडित के साथ कह सकता हूँ, इसी दल से मेरे साथी बैठा है जिसके खाते में 7 लाख रुपए जमा आया, 7 लाख। किसान की खेती और बात होगी उसकी देश की फसल बीमा योजना, अधिसूचना कह रही थी कि खेती बर्बाद होगी तो उसको बीमा मिलना चाहिए, दे नहीं रही थी सरकार, गिन नहीं रही थी किसान, हमने जिद की और लड़े तफसील से सिलसिलेवार कागज के आधार पर तथ्यात्मक रूप से लड़े, जीते नोर भादरा पल्लू के और तारानगर के करीब करीब 7.25 लाख परिवारों को 2016 सामी की खेती बर्बाद होने के बाद 192 करोड़ रुपए बीमा क्लेम देकर के बचाया। चाहिए था 7 महीने बाद, 1 साल 8 महीने बाद उनके खातों में पैसा आया। उस समय आया जब किसान के पास एक छोटी कोड़ी नहीं थी, हम तय करके लगे जैसे अर्जुन 3 साल के लिए मछली की आंख में देख रहा था, हम ये देख पा रहे थे जिस किसान के घर में कोई सरकारी नौकरी नहीं, जिस किसान के घर में कोई प्राइवेट नौकरी नहीं, उस किसान के घर की हालत खतरनाक से खतरनाक थी, उसकी बैंक की कुर्की निकली हुई थी। हम समझ पा रहे थे 2016 चुकी गई, 2016 की शादी चुकी गई, 2017 की शादी फिर चुकी गई, 2017 की शादी फिर नहीं बोली गई। हम 23 अक्टूबर 2017 से भादरा तारानगर नोज पल्लू में बैठे 88 दिन के लगातार संघर्ष के बाद 7 लाख किसानों के खातों में पैसे डलवाने का काम अखिल भारतीय किसान सभा ने इसलिए कर दिया कि हमारी जिद थी हम सही हैं वो गलत है, हमारी जिद थी बीमा कंपनी बड़ी जीत नहीं, किसान के सामने किसानों की रैलिया, किसानों की टाणिया, किसानों का दबाव, सरकार और बीमा कंपनी को झुकाने में कामयाब रहा। जीत और ये हौसला यूं ही नहीं आ जाता, ये जीत और हौसला जनता की मदद से आता, जनता ने मदद की। एक एक गांव में जहां मैं गया, एक एक मोहल्ले में जहां भी मैं गया, लोगों ने मेरी गाड़ी चलाने के लिए तेल की व्यवस्था की, मेरी गाड़ी पर